के खिलाफ उसने कुछ साजिश हो गई, ठीक है, किसी ने गलत काम किया तो मैं फिर उसका समर्थन नहीं करना चाहता हूँ, मगर फिर भी सजग तरीके कई लोगों को और खासकर जो पार्टी या हुकूमत है जिनको लोगों का समर्थन है उनको दूर करने के लिए केंद्र सरकार की सब ताकत चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी हो इसका इस्तेमाल करने का काम आज दिल्ली में हो रहा है। और ऐसे समय में कांग्रेस का फर्ज था कि हमारा धंधा किसके पास, हमारा धंधा चाहे केजरीवाल के साथ हो सकता है पर हमारा सच्चाई से झगड़ा बीजेपी के साथ, हमारा झगड़ा ये जो सांप्रदायिक शक्ति है इनके साथ है। और जब ये लड़ाई होती है तब हम लोगों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ये सांप्रदायिक शक्ति को मदद होगी, इस तरह से कोई कदम किसी ने नहीं उठाना, ये बात सबके मन में रखने की आवश्यकता है। और इस पर आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आपने प्रजातंत्र 15 अगस्त का आपने स्पीच सुना, देश के सामने कई सालों से जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक सिस्टम है कि हम देशवासियों को संबोधित करते हैं, देश के प्रधानमंत्री और देश का आगे का नक्शा हमारी नीति क्या रहेगी वो देश के सामने कहे। जब भाषण सुना तब उन्होंने महिला के बारे में कोई अच्छी बातें कही, महिला के सम्मान की बात की, एक तरह से महिला के सम्मान की बात होती है। और 2 दिन के बाद हम देखते हैं गुजरात सरकार इस तरह से कदम उठाते कि हमें शर्म लगती है। इनके बारे में क्या हुआ, कितने अत्याचार हो गए, किस तरह से अत्याचार, उनके घर से बाल से बाल बच्चे क्या हुआ, किस तरह उनके ऊपर हमले हो गए, परिवार के सदस्य उनके खिलाफ क्या किया गया, कोर्ट में मैटर गई, नीचे के कोर्ट ने सजा दी, हाईकोर्ट ने सजा दी, सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी, ये सब होने के बाद और इतना बड़ा अत्याचार महिला के ऊपर करने के बाद वहाँ की हुकूमत एक दिन तय करती है कि ये बड़े शरीफ लोग थे, अच्छे लोग थे, पंडित थे, ये थे और थे और उनको छोड़ने का काम किया। ये महिला की इज्जत है जो सदा उनसे लाल किले से भाषण दे दिया और देश की महिला के बारे में जो एक कुछ रास्ता निकालने की कोशिश की, यही रास्ता है, इससे क्या हम पूरे देश को संदेश देते, ये काम बहुत गलत किया है मगर ये उनकी नीति है, ये उनका काम करने का तरीका है और इस रास्ते से वो जाना चाहते हैं। और इसलिए हमें ये देखना होगा कि ऐसी समस्या जब पैदा होती है तो देश के खास तौर माइनॉरिटी के बजे एक जो आशंका पैदा होती है वो दूर करने का काम जैसे सऊदी अरबी ने कहा मैं उसे समझ, जब इस तरह की बात आती है इसमें पूरे देशवासियों ने अपनी बात सबके सामने रखनी चाहिए, मगर इसमें जिनके ऊपर हमला होते हैं वो लोगों ने थोड़ा पीछे रहना चाहिए। और हमारे जैसे लोग हैं, हमारे जैसे नॉन माइनॉरिटी के लोग हैं, उन्होंने सड़क पर उतरने की तैयारी ये रखनी चाहिए। और हमें देश के सभी साथियों को एक कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि आप अकेले नहीं है, पूरा हिंदुस्तान पूरा देश आपके साथ, इस रास्ते से हम लोगों को जाने की आवश्यकता आ रही। कई बातें हैं, कई कदम हम लोगों ने उठाई, सरकार ने हमारे कुछ लोग जहाँ तक महाराष्ट्र के बाद यहाँ की गई माइनर चीज को वहाँ कई क्षेत्रों में रिजर्वेशन देने की बात की, रिजर्वेशन का निर्णय लिया, कुछ लोग कोर्ट में गए और
और अच्छी बात है कि वहाँ हाईकोर्ट ने मायना सिंह को एडमिशन लेने का जो प्रस्ताव था उसको समर्थ कर दिया, उनको भी प्रतिक्रिया दूर किया गया। ये क्या बात है, आज पूरे देश में हम देखेंगे दिल्ली कहाँ जा रहा है, शिक्षा की कहूँ कहा है। मैं देखता हूँ गाँव में जाकर मेरे जितने मुस्लिम स्त्री आ रहे वहाँ दिल्ली में मुझे ज़्यादा दिखाई देती, वहाँ शिक्षा की कम दिखाई देती। नौजवान मेहनत करने के लिए तैयार है और उसकी फलाई अच्छी हो जाएगी, उसको आगे मौका मिलेगा तो उनका परिवार इसका चेहरा बदलेगा। और इसके लिए आज कुछ न कुछ आरक्षण की मदद की वहाँ आवश्यकता, जो वीक सेक्शन होता है दुबला होता है इसके लिए आरक्षण होता है, जो मजबूत होता है उनका आरक्षण की आवश्यकता नहीं। और आज इस देश में जैसा दलित एक पिछड़ा हुआ है, दुबला है, आदिवासी जैसा है, इसी तरह से महिलाओं की स्थिति इस देश का अलग नहीं है। कुछ चंद लोगों की स्थिति अच्छी होगी मगर अब वजन फैलवाने पर आज जहाँ हम गजरी देखते हैं इसे आज महिला शिक्षा शिक्षण हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसीलिए उनको आरक्षण की आवश्यकता थी। और इसीलिए हम लोगों ने और खासतौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने यह आरक्षण की नीति महाराष्ट्र में शुरुआत की, आज वहाँ हुकूमत बनी, उन्होंने इस तरह के कदम हम वहाँ जो जिसकी आवश्यकता थी उसको करिए। मंडल कमीशन देखिए, मंडल कमीशन ने देश को एक नया रास्ता दिखाया और मुझे खुशी है जब मेरे हाथ में महाराष्ट्र की हुकूमत थी तो देश में पहला रास्ता मंडल का अमल करने के लिए हम लोगों ने तय की डिसीजन ले लिया, क्योंकि मायनावासी आदिवासी हो अन्य कंट्री के लोग हो जो गरीब है उनको उनका हिस्सा मिलना चाहिए, ये सूत्र हम लोगों ने किया और ये आज पूरे देश में करने की आवश्यकता है। और इस वजह से किस तरह से काम होगा इसके एक आशंका हम लोगों के मन में आई। आज हुकूमत उनके हाथ में है मगर हुकूमत में इख्तियार किस तरह से किया जाता है, जो राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता जो राजनीतिक विचारधारा इनके खिलाफ है, इनके खिलाफ ये देश का जो हुकूमत आपको मिला है इसका गैर इस्तेमाल आज किया जाता है, चाहे CBI हो, चाहे ED हो, चाहे IG हो, इन लोगों से मजबूत से टकराव करने की आज आवश्यकता है। आप देखिए महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर थे, इनका नाम था अनिल देशमुख। अनिल देशमुख एक मेहनत करने वाला मजबूत होम मिनिस्टर था, कुछ इशू हो गए उनको अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करके इनके खिलाफ चार्जशीट दे दी। चार्जशीट क्या दे दी कि उन्होंने किसी के भाग से 100 करोड़ हुए उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए डोनेशन दी और इसलिए पैसा लिया, तो किस लिए लिया, एजुकेशन के लिए, कितना लिया 100 करोड़, चार्जशीट दे दी, बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद एक महीने के बाद नई चार्जशीट दे दी। अगर नई चार्जशीट कहती है कि वो 100 करोड़ नहीं थे 4 करोड़, 100 से 4 करोड़, और अभी 15 दिन है और एक नया चार्जशीट दे दो और इस चार्जशीट में लिखा 4 करोड़ में 1 करोड़ 10 लाख, यानी 100 से 100 लाख और 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 10 लाख काहे के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कि बिल्डिंग बनाने के लिए प्रत्यक्ष भर्ती के लिए लाइफ में डिपॉजिट इसका रिकॉर्ड है मगर होम मिनिस्टर को इसके 10 महीने से जेल में रखा। क्या किया था नवाब अली, नवाब अली की एक ही गलती राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रयोग था, हर दिन जहाँ कुछ
नजर न खुलती है कि आज लोगों के सामने रखने का फर्ज वो करता था ईमानदारी, और इसीलिए इनके खिलाफ थी। कैसे क्या था, 20 साल पहले कुछ व्यवहार हुआ था और इसमें उन्होंने कुछ किया, तो जमीन की खरीद ली 20 साल पहले, और अभी हम मानते थे कि क्या इंफॉर्मेशन हमें दे दो, क्या तुमसे काम गलत क्या किया तो हम देखना चाहते, हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आज इस देश में एक कानून हम लोगों ने किया, जब हम लोग यहाँ पीछे गवर्नमेंट में थे, और तब एक कानून हमने किया राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मांगने का अधिकार सिटीजन का होता है। जब नवाज मलिक के खिलाफ ये केस हो गई, इनके बारे में ये कहा गया कि उन्होंने गलत काम किया, हमारे कुछ साथियों ने राइट ऑफ इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन मांगी नवाज मलिक के बारे में, और इंफॉर्मेशन आ गई कि जो इनके खिलाफ चार्ज है ऐसा कोई काम नवाब मलिक ने किया नहीं, ऐसा लिखित आज इंफॉर्मेशन वहाँ आई है, ये दे सकती। ये क्या है, आपके खिलाफ कोई राजनीति में होता है प्रजातंत्र में जरूर ऐसे बोलने का अधिकार नहीं, कुछ गलत काम किया तो बोलने का अधिकार नहीं। अच्छा, हमने कुछ गलत बात की तो हमारे खिलाफ केस करिए, इंफॉर्मेशन करिए, कुछ भी करिए, और बोला इसे 10 बजे से जेल में रहना और उनके फजीहाल को सताने का काम वहाँ करना, वहाँ सामने नाम का एक मिनिस्टर, इसका एडिटर मेरे साथ आंदोलन थे संजय राउत, ये उनका नाम, फिर से 15 दिन 3-4 हफ्ते से उनको अरेस्ट किया गया। काहे के लिए अरेस्ट किया, जैसे नवाब मलिक ये सरकार की जो जरूरी चीज है देश के सामने रखने का काम करता था, वैसे ही संजय राउत लिखता था, पहली सरकार, और इसीलिए उनके खिलाफ केस किए गए। हमने पूछा उनके फजीहाल को, जब आप खाना देने के लिए जाते हैं तो पूछिए कि उनको क्या सवाल पूछते, क्या इन्वेस्टिगेशन उनका चालू है, तो हमें इंफॉर्मेशन मिली कि उनको इतना ही पूछते हैं कि मुंबई शहर में कोरोना हुआ था तब जो कोई दवा पानी दिए इसके लिए कितना खर्चा हो गया। ये बोलता मैं न्यूज पेपर में काम करता हूँ, मैं एडिटर हूँ, वहाँ कितना खर्चा हुआ तो डॉक्टर को पूछो, हॉस्पिटल को मुझे क्यों पूछ रहे, नहीं जब तक ये इन्फॉर्मेशन आप नहीं लेगी तब तक आपका छुटकारा नहीं, इस आदमी को वहाँ रखा गया। ऐसे जगह जगह पर आज देश में कई राज्यों इस तरह की स्थिति पैदा हुई, और जब ऐसी स्थिति पैदा हुई तो हम लोगों का फर्ज प्रजातंत्र का रक्षा करने की जिम्मेदारी जो हमसे ऊपर है वो संभालने के लिए पूरी करने के लिए ऐसी जो गलत शक्तियाँ हुकूमत का गैर इश्तेमाल आज देश में हो रहा है, इसके खिलाफ आज हमें बहादुर से खड़ा रहने की तैयारी रखनी चाहिए। इसकी बात मैं कह सकते हैं, अनेक कई राज्यों में जहाँ नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट है वहाँ तकलीफ शुरू है, हम देखते हैं पश्चिम बंगाल में हर दिन किसी MLA के खिलाफ, किसी MC के खिलाफ, किसी मिनिस्टर के खिलाफ, कहीं ना कहीं से ये आज शुरू है। आज लोगों में गांव वालों को इससे पहले पुलिस के मालूम थी, इसके कुछ सालों में CBI मालूम है, और अभी ईडी आ गई। आज गांव में पूछते ईडी क्या, गांव में कुछ झगड़ा हो गया तो गांव वाला किसान अपने साथियों को बोलता कि भाई तुम ये ठीक करो नहीं तो ईडी लगाओगे, ईडी लगा उसके बाद जिन लोगों को ईडी मालूम है आज ये ईडी इन लोगों ने देश के सामने दी। और इसलिए आज
ये जो कुछ चला है तो देश की भलाई के लिए चल रही, हम लोगों को इसमें काम करने की आवश्यकता है। मैंने भारतीय जनता पार्टी के कुछ एमएलए और नेता लोगों की स्टेटमेंट देखी। हमारे यहाँ एक एमएलए साहब ने कहा कांग्रेस छोड़कर आज विजय सिंह गया। उनसे सवाल पूछा विजय वालों ने, आपने ये क्यों किया? उन्होंने जवाब दिया, मैंने पार्टी भरी, मैं विजय सिंह में गया और मुझे उसी से नींद आती है। अभी कोई फीलिंग मेरे खिलाफ है, कैसे बहुत थे और अभी सब खत्म हो गए। वहाँ एक धुलाई का मशीन है, इस मशीन में जाए तो हम क्लीन होकर बाहर आ गए। और ये काम आज यहाँ हो रहा है, ये बात देश के प्रजातंत्र के लिए जरूरत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। हम इसे हम लोगों को सोचना होगा। और मुझे याद है 1975, 1976, 1977 ऐसी स्थिति देश में हुई, इमरजेंसी आई, लोग जेल में गए और सब सब लोग कहते थे कि अभी 25 साल देश में बदलाव नहीं आएगा। ये बात 76 की थी, 77 तक चुनाव होगा और आपने देखा कि सरकार बदली। कई लोग छोटे जिनका नाम मालूम नहीं था वो हरी वोटों से पिछले। इस देश में एक अच्छी बात है, हमारे जैसे राजनीति में काम करने वाले लोग हैं जो हमें अक्ल मिली है, इससे इस देश के आम लोगों की अक्ल ज्यादा है। अब वो अक्लमंद लोग देखते हैं, बोलते नहीं, मगर जब समय आता है तो काम ठीक करते हैं और सबक सिखाते हैं। सबक सिखाने का टाइम तो इससे आएगा, हम लोगों ने इसकी तैयारी करनी चाहिए। मुझे विश्वास है इसे सभी शिक्षक, चाहे माइनर सीट का हो चाहे रिजर्व सीट का हो, सब मिलकर देश की एकता, देश के प्रजातंत्र और देश का नैतिक अधिकार इसका सम्मान करने के लिए हम मिलकर काम करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मुझे खुशी है कि आज रंजीत साहब ने जिम्मेदारी अपने हाथ से लेकर एक नया हौसला तैयार करने के लिए शुरुआत की है। आपके और हम सब लोगों की सहयोग ताकत इनके साथ रहेगी और हम जो नक्शा बदलना चाहते हैं इसकी शुरुआत यहाँ से हो जाएगी। इतना ही कहकर मैं आपसे इजाजत देता हूँ।